Hey everyone, good morning. आज हॉस्पिटल का है लास्ट दिन, फिलहाल चल रही है और हॉस्पिटल है सुनसान। मैं दिखाती हूँ बस, आगे को बने रहें, आगे शेयर करते रहेंगे आपके साथ क्या क्या होता है दिन भर में। सो गाइस, अभी बस हल्द्वानी सब चीज़ें खैरना से आगे रास्ते पे पीछे होटल पे आ गए, नाश्ता कर रहे हैं ये लोग। और मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, उल्टी हो रही है, पेट घूम रहा है। और ठीक सामने और भी गाड़ियाँ लगी है, एक पीछे डीडी हार्ट वाली। तो रास्ते में कहीं भी वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मैंने दवा खा ली थी, तो दवा खाने से भी कुछ असर नहीं हुआ। तो अब बस आके को पता नहीं कहाँ मिलेंगे, या तो घर ही मिलेंगे। अभी समय है सुबह के 10 बजे, तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। गर्म हो रहा है और लेट गई मैं थोड़ी सी। पैसेंजर गाड़ी में कहाँ सीट होती है, बुकिंग करके तो सही हो गया था परसों, उस दिन जगह हो गई थी। मिलेंगे थोड़ी देर में। अभी ताकुला में कोरोना की जांच होगी हमारी। सो गाइस, मैं जैसे कैसे रो धो के घर में पहुंच गई हूँ। रास्ते में कोविड टेस्ट हुआ था क्योंकि मैंने दोनों डोज लगा लिए हैं और मैसेज मैंने डिलीट कर दिया था। और नम्मो के लिए मैं गिफ्ट लाई थी, दिखाओ घड़ी के नहीं लाए। अब देखो मैंने इसके लिए चश्मा लाया क्योंकि अब हम कुछ ही समय में हम लीति जाने वाले हैं, कुछ ही समय में मतलब कुछ दिनों बाद मेले में। तो अभी मैं अपने नीचे कमरे में, ऊपर भी नहीं हुई। हाँ छोटा क्यों दिख रहा है, तो बच्चे का है मम्मा, वो छोटा ही होगा। तो कोविड टेस्ट किया तो नाक में खुजली है, अभी भी चल रही है। तो ये इसको पसंद आया, हाँ तो सही लग रहा है, तो इसके लिए हो गया। रबड़ मत निकालो मम्मा, पहले ही अभी मत निकालो। देखो इसने आधा किलो मिठाई लाई थी चॉकलेट, तो इसने रबड़ निकाल लिया इसका। और चाचा लोग चले गए हैं घर, अभी फिलहाल हाथ मुँह धो लिया है मेरा। हल्द्वानी से घर आते आते भूत की जैसी हालत हो जाती है क्योंकि मैं पूरे सफ़र में सो के आती हूँ और उल्टी करते करते आती हूँ और बिना कुछ खाए पिए आती हूँ, फिर भी उल्टी आती है, मतलब खाली पानी निकलता है, हरा पानी। तो ऐसी हालत पस्त हो जाती है मेरी, सफ़र करना मेरे से हो पाता ही नहीं है बिल्कुल। मैं यहीं पर मायके भी नहीं जा पाती। तो फिलहाल खाना खा लेती हूँ, समय 3:30 हो गया है और नम्मू को चश्मा दे दिया है। फिर खाना वाना खाते हैं, ये सारा सामान सब सभी कुछ रख लेते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। सो गाइज, ये नम्मू का चश्मा कितना टेढ़ा पहन रखा है, वाओ कितना फिट आ रहा है ना। मामू ने छांट दिया था, कहाँ से, हल्द्वानी से। घड़ी, घड़ी तो है ना आपके घर में, तो कोई है मेरे कैमरे में थोड़ी गंदगी लग गई है, और मेरे बिना कैसा और था घर में, अच्छा गंदा हो रहा था। मैंने सोचा अच्छा हो रहा होगा। आपने इसमें से निकाल के खा भी लिया मिठाई, गंदा हो रहा था। वो यार मम्मा मंदिर में चढ़ाना होता है वो तो पहले। गलत बात यार ये तो, अब तो आपने झूठा कर दिया, कैसे चढ़ाएंगे। ये देखो इसने खा भी लिया, लाओ ऐसे पैक कर देते हैं, ऊपर ले जाएंगे बाद में खाना। रबड़ दे दो। अभी ना शाम के 7 बज गए हैं और दुकान बढ़ा दी मैंने, और नम्मो बोल रहा है जो सामान लेके आए हो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइज, मैं ये सामान लेके आई थी ना हल्द्वानी से अपने, मत करो मम्मा दुकान की चीजें हैं वो, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। फटाफट फटाफट खोल के पूरा निकालते हैं, दिखाते हैं। तो इतना सब सामान मैं वहां से लेके आई हूँ। ये इसकी टोपी रही,
मत करो मामा उलझ गए हैं, बस थोड़ी सी लेस वगैरह, डोरियां, धागे, इलास्टिक, ये रही मेरी शॉपिंग 5000 की। और ये देखो ये क्या है, इसमें चौक हैं, और ये थोड़े से मेरे मशीन के पुर्जे टूट गए थे वो भी लाए, और ये सारे चौक हैं, साल भर का कोटा है मतलब मेरा ये। इसके साथ नम्मू ने 4 चाइनीज मोती भिगाने भी डाल रखे हैं अपने लिए, थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो मेरा हॉस्पिटल का ना अनुभव कुल मिला के अच्छा भी था और बुरा भी था, मतलब हॉस्पिटल तो मेरे दुश्मन भी ना जाएं, इतना गंदा था। अच्छा तो क्या अच्छा होता है, हॉस्पिटल हुआ हो, जिस नाम का हॉस्पिटल हुआ, सारे मरीज ही मरीज, पेशेंट कोई कहीं से मर के निकल रहा है, कोई कहीं से हाथ कटे निकल रहे हैं, कोई कहीं से सर फटे निकल रहे हैं, कोई घुटने कटे निकल रहे हैं, मतलब मेरे दुश्मन भी ना देखें ऐसी हालत वहाँ की। और पैसे पैसे तो कैसे, ऐसे जैसे हवा में कोई कागज़ नहीं उड़ते हैं, ऐसे ही ख़त्म हो रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो बुरा अनुभव ये था, और अच्छा अनुभव ये था कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ नया नया चीज़ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, भाई यही था और क्या होता। बस खाना पीना ठीक ठाक था, सरकारी हॉस्पिटल थे तो बस काम चलाओ चल रहा था ज़िंदगी। तो फिलहाल हाथ में धो लिया, कपड़े चेंज कर लिए, खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस फिलहाल खाना वाना खा लिया है, रात के बज गए हैं 10:30, अगर दिख रहा है तो भाई कितना खुश हो रहा है, बाप रे इसके मोती फूल गए हैं, चाइनीज मोती, तो इसकी खुशी की लहर कुछ अलग ही है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, उसी तरह से इसकी खुशी की लहर आई है, मोती फूल गए करिए। ओ हाँ, कोरोना की तीसरी लहर के उससे मेरे को ये बताना है कि कल जब हम हल्द्वानी थे ना, तो हमारी बगल वाले कमरे में 2 छोटे छोटे बच्चे पॉजिटिव आए थे, पता है 2 छोटे थे वो, इतने मतलब 1.5 साल के भी थे, तो उनका और मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, क्या लगता है, वो वहीं देखा मैंने, मतलब बहुत कुछ देखने को मिला, बाहर जाके ही पता चलता है, हम तो यहाँ कमरे के अंदर ही रहते हैं, बस दुकान ये देखा, ज़्यादा कुछ चीज़ें देख ही नहीं पाते। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे लगाते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो सब कल ही देखा। तो जैसे ही बोला ना पॉजिटिव आए हैं, तो मेरे को भी थोड़ा सा देखने की, क्योंकि वो बच्चा बगल वाले कमरे में था तो बहुत रो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको देखने भी चले गई मैं। तो सभी कुछ देखा दूर से, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना, ये वो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों का, तभी पता चला। सो गाइस फिलहाल मैं तो आ गई हूँ घर, और मम्मी वहीं पर है अब, ठीक है, स्वस्थ है। आप लोगों ने सभी ने पूछा है, कमेंट करा, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सभी ने आपने प्रार्थना की भगवान से कि ठीक हो जाए जल्दी। मैं भी मतलब पहले दिन तो इतनी डरी हुई थी ना, कुछ मतलब करने का ही, मतलब जैसे रक्षाबंधन ख़त्म हुआ मेरा, तो उसके बाद दूसरे दिन और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो अचानक से वहाँ ले जाना पड़ा। तो फिलहाल खाना वाना खा लिया, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और आपके भगवान से जो दुआएं मांगे उसकी वजह से मम्मी अब स्वस्थ है। तो आते समय मैं थोड़ा सा वहाँ पे इमोशनल हो गई थी, तो वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा आधा मतलब 1st मंजिले में पहुँच के ही मैंने वीडियो स्टार्ट की। तो तब से बस अभी रात के 10:30 हो गए हैं, सुबह 7 बजे रास्ते लग गई थी, तो थोड़ा सा मम्मी को छोड़ के आई वहाँ पे बीमार हालत में, तो अपना काम भी था, क्या करें, अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है मेले वगैरह का, तो दुकान में काम बढ़ जाता है, तो इस वजह से मेरे को आना पड़ा। फिलहाल भाई तो है वहाँ पे, तो कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो मम्मी अपने मायके चले जाएंगे भाबर, तो 2-4 दिन मतलब 1 हफ्ते वहाँ रेस्ट करेंगे, तो थोड़ा सा जो कमज़ोरी आई है, चक्कर वक्कर आने की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। तो बस गाइस यही कहना था, और आप लोगों का सपोर्ट और साथ मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल। अब कल से लगातार अपनी घर गृहस्थी वाली वीडियो आपके साथ शेयर होंगी, और हल्द्वानी वाला अनुभव मेरे साथ पहली बार ही था, और जो आने वाले रास्ते की वीडियो मैं बहुत ही कम बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही उल्टी अभी तक मेरा मतलब हालत ऐसी है, ठीक ही है मुझे लग रहा है ठीक ही है, तो सुबह उस समय तो जैसी हो गई थी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बाय बाय, नमो बाय। आज का वीडियो एंड करते हैं।